हेलो एवरीवन कैसे हो आप लोग आई एम गुलाब सा वेलकम यू वंस अगेन टू अनदर सेशन ऑफ अनादर सेवन एंड इन टूडेज सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और यू कैन से फाइनेंस रिलेटेड न्यूज आर्टिकल दैट इज रिलेटेड टू बैंक फ्रॉड्स हम इसके बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज रिसेंटली आर बी आई कंटम्प्लेट कर रहा है सोच रहा है टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड फ्रॉड रजिस्ट्री जहाँ पे वो इन जितने भी फ्रॉडसर्स हैं उनकी लोकेशंस उनके आईपी एड्रेसेस प्लस उनकी जो मोबाइल नंबर्स हैं उसको एक जगह इकट्ठा करके रख सके सो दैट वी कैन यूज़ दोज इन्फॉर्मेशन और जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश फ्रॉडस्टर्स हैं उनको हम पकड़ सकें या फिर स्कैम होने से बचा सकें अगर हम इसके बारे में समझेंगे तो हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि फ्रॉड्स किस प्रकार की होती हैं एंड व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग द टाइप्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स इज बिकॉज आपके प्रीवियस ईयर्स में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था ऑन जूस जैकिंग तो बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं टेक्निकल टर्म्स जो कि रिलेटेड है आपके बैंक फ्रॉड से तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया है देन दिस टॉपिक इज ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंस आप अपने कोर्स भी करोगे वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि बैंक फ्रॉड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिकॉज जो फेज़ वन का या फेज़ टू का ऑब्जेक्टिव पार्ट है वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं सर्टन अदर टर्म्स सच एज फिशिंग हो गया विशिंग हो गया या जूस चैकिंग हो गया रिमोट एक्सेस हो गया या फिर आपका होता है मनी म्यूल सो आर सर्टन कंसेप्ट और उनका मीनिंग आपको पता होना बहुत ज़रूरी है उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कस्टमर कंज्यूमर अवेयरनेस ताकि लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस हो इन चीज़ों को लेके कर देर में बी अ डिस्क्रिप्टिव आंसर्स एज वेल कि आप बैंक फ्रॉड्स जो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है आरबीआई कैसे इस चीज़ को कम कर रही है या कैसे आप कम कर सकते हो तो वहां पे आपको क्लियर कट पता होना चाहिए सम वेरी पॉइंट्स तो सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन दी आंसर्स सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले सबसे पहले बैंक फ्रॉड्स क्यों हो रहे हैं अब जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजेक्शन इंक्रीज हो रही हैं सो दे हैज बीन एन इंक्रीज इन द डिजिटल ट्रांजेक्शन और ये हम सरकार ने या फिर आर ने या बैंक्स ने हमें प्रमोट भी किया है एंड वी शुड गो फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन और कोविड के कारण तो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया लोगों ने यू करना शुरू कर दिया दीज दीज आर गुड्स दीज़ आर वेरी गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ द इकानी एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ़ द कंज्यूमर्स एज वेल क्योंकि एक तो आपका कंज्यूमर का जो कन्वीनियंस है आपकी कन्वीनियंस बढ़ गई आपको कैश नहीं कैरी करना पड़ता आपको बार बार ए नहीं जाना पड़ता पैसे विड्रॉ करने के लिए आपने यू किया स्कैन किया और पेमेंट कर दी कन्वीनियंस आपको मिल रहा है इसके अलावा फ़ाइनेंशियल इंक्लूजन में इसकी बहुत बड़ा हाथ है डिजिटल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं डिजिटल जितने भी ऐप्स हैं उनके यूज़ के थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ रही है बट विद द बेनिफिट कम्स द कॉस्ट एस वेल कॉस्ट ये है कि एन सी आर बी के डेटा के अकॉर्डिंग भी देर हैज़ बीन एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ बैंक फ्रॉड्स बैंक फ्रॉड्स भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करे हैं तो इसको हमें कम करना है हमें कॉशियस रहना है हमें और आपको पता होगा आर ने कंज्यूमर एजुकेशन के लिए एक डॉक्यूमेंट भी निकाली थी एक इनिशिएटिव था नॉन एज बी वेयर तो इसके अंदर भी आर ने बताने की कोशिश करी है कि आपको कैसे ध्यान देना है सावधानी रखनी है कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर आपको हमेशा से प्रिवेंट करना है चीज़ों को और सावधान रहना है कि ऐसी चीज़ें आगे ना हो एंड योर मनी इज सेफ विथ यू ठीक है तो सबसे पहले जानते हैं कि वॉट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ बैंक फ्रॉड्स फर्स्ट एंड ऑब्वियस इज़ द फिशिंग अब फिशिंग क्या होता है फिशिंग को आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो किसी वेबसाइट से ठीक है तो इसमें क्या होता है आपके पास कोई मैसेज आता है या फिर ईमेल आता है और किसी भी आपकी ऐप आप से चाहे वो बैंक का ऐप हो या एमेजन का ही कोई तो ऐसा सिमिलर uh, लिंक आता है या उसमें ऐसा लिखा होता है कि अमेजोन का लिखा हुआ है उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो ऐसा एक लिंक आता है अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आपके जितने भी डेटा हैं वहाँ से आपके चोरी हो जाते हैं कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स जो आपके होते हैं वो निकाला जा सकता है दिस इज़ नॉन एज फिशिंग तो फिशिंग लिंक्स को यूज़ करके फ्रॉडस्टर्स आर ट्राइंग टू ट्यू क्यू वह आपके आपके जितने भी कंज्यूमर डिटेल्स हैं आपके कॉन्फिडेंशल डिटेल्स हो गए वो निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं यूजिंग दिस फिशिंग तो फिशिंग में क्या होता है वेबसाइट लिंक्स का इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू ड्यू प्यू उसके बाद आ जाता है विशिंग विशिंग में क्या होता है यहाँ पे कॉल का इस्तेमाल किया जाता है तो आपके पास फ्रॉड कॉल्स आते हैं और ये जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं इम्पोस्टर्स होते हैं ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि सपोज आपके पास किसी बंदे का कॉल आया वो बोला कि मैं आपके एस आपका एस बैंक में अकाउंट है आपका ये अकाउंट नंबर है ये आपका डेट ऑफ बर्थ है और मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा हूँ और आपका जो के डिटेल है वो अभी तक अपडेटेड नहीं है इसको ये अब हम ऑनलाइन अपडेट कर देंगे इसके लिए यू नीड टू प्रोवाइड प्रोवाइड आस विद सर्टेन इंफॉर्मेशन आपको अपने क्रीडेंशियल्स हमें देने पड़ेंगे अब आपको लगेगा हाँ बंदा जेनविन है मेरा के तो हुआ नहीं था अपडेट नहीं हुआ होगा लेट मी गिव द डिटेल जैसे ही आप डिटेल देते हो इस तरीके से वो आपके जितने भी एसेंशियल क्रेडेंशियल डेटा होते हैं वो सारा चोरी कर लेते हैं तो विशिंग में क्या होता है विशिंग में कॉल के थ्रू आपके डेटा चोरी की जाती है फिशिंग में वेबसाइट लिंक के थ्रू किया जाता है बाकी आप आराम से रीड कर सकते हो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी अदर टाइप ऑफ फ्रॉड द अदर टाइप इज यूज दिल्स प्लेटफॉर्म सपोज करो कोई ऑनलाइन ऐप है मीशो ही मान लो एंड दे ऑल्सो हैव दे व्हाट्सएप बिजनेस एस वेल व्हाट्सएप पर भी वो काम कर रहे होते हैं नाउ यूज सम रैंडम पर्सन मिस्टर ए लिव्स इन सम इंटीरियर पार्ट ऑफ लेट्स ए छत्तीसगढ़ के किसी विलेज में रहते हैं वो एंड ही इज पोस्टेड आउट देर सी आई एस एफ के मेम्बर हैं एंड ही इज पोस्टेड आउट देर मतलब ही इज़ प्रज्यूमिंग मतलब वो अपने आप को ऐसे दर्शा रहे हैं दैट ही इज़ इन डिफेंस सी आई एस एफ के हैं और छत्तीसगढ़ के किसी रिमोट एरिया में रह रहे हैं एंड ही इज़ इंटरेस्टेड इन वन ऑफ द प्रोडक्ट जो मीशो बेच रही है नाउ वॉट ही सेज इज़ आई मेक यू द पेमेंट बट आपको आप मुझे रिक्वेस्ट भेजो एज यू नो जो हमारा यू पी आई ऐप है यू पी आई ऐप है यू कैन रिक्वेस्ट मनी राइट तो ये एक ऑप्शन होता है रिक्वेस्ट मनी का एंड दिस पर्सन से इसके आप रिक्वेस्ट मनी भेजो और वहाँ पे दे ट्राई टू आस्क यू योर यू पी आई पिन इंसिस्ट करते हैं कि रिक्वेस्ट मनी पे आप हमारे ये जो है इसको आप अप्रूव कर दो ठीक है अप्रूव करो बाई एंट्रिंग योर पिन नंबर दे ट्राई द ट्राई टू लियोर यू राइट तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी रिक्वेस्ट मनी का आता है रिक्वेस्ट मनी इज़ द सेलर विल सेंड द रिक्वेस्ट कि हाँ मुझे पैसे भेजो इस केस में आपको कभी भी यू पी आई पिन प्रोवाइड नहीं करना होता कभी भी आप रिक्वेस्ट मनी करते हो आपको यू पी पिन कभी एंटर नहीं करना पड़ता रिसीविंग के केस में तो जैसे ही आपने अपना यू पी पिन दिया इस फ्रॉस्टर का जो ये जो फ्रॉडस्टर है इसका काम पूरा हुआ और उसने आपकी सारी डिटेल्स को जान लिया और वहाँ से आपके पैसे सारे उड़ा लिए तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इज हैपनिंग यूजिंग दी ऑनलाइन सेल्स प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म जहाँ पे रिक्वेस्ट मनी का जो फीचर होता है यूपीआई में उसका फायदा उठाया जा रहा है तो याद रखना जब भी रिक्वेस्ट मनी आप करते हो आपको यूपीआई पिन कभी प्रोवाइड नहीं करनी होती नेक्स्ट वन इज फ्रॉड ड्यू टू यूज ऑफ अनोन और अनवेरीफाइड मोबाइल एप्स इसमें भी ऐसा ही किया जाता है कि सिमिलर ऐप्स को आप बनाते हो सपोज़ व्हाट्सएप का ही ग्रीन कलर का कुछ आपने बना दिया वैसा ही सिमिलर आपने इमेज यूज़ किया और आपके पास कहीं से तो कोई लिंक आई मे बी एस एम एस ई मेल सोशल मीडिया और वहाँ पे ये आया कि आप इनको पांच लोगों को फॉरवर्ड करो जैसे ही आप पांच लोगों को कर दोगे यू विल बी अर्निंग दिस मोबाइल फ़ोन और यू विल बी गेटिंग दिस गिफ्ट या इतने का आपको वाउचर मिल जाएगा तो जब भी आप ऐसे लिंक पे क्लिक करते हो और कोई ऐप डाउनलोड हो जाता है ठीक है तो इस ऐप के द्वारा द फ्रॉडस्टर कैन हैव एक्सेस और कंट्रोल टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड ऑन योर ऐप बी इट योर पेमेंट रिलेटेड डेटा योर पर्सनल क्रेडेंशियल डेटा योर पैन अकाउंट नंबर योर बैंक अकाउंट नंबर योर क्रेडिट कार्ड नंबर ऑल ऑफ दीज डेटा कुड बी टेकन अप बाई दिस फ्रॉड स्टर तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसे कोई लिंक आए सबसे पहले आपको वहाँ पे आप स्पेलिंग एरर को डिटेक्ट करना कि कोई स्पेलिंग एरर तो नहीं है दूसरा उसकी जेनविनिटी को आपको देखना है वेदर इट इज़ जेनुन और नॉट ऐसा नहीं कि किसी पे भी आपने क्लिक कर दिया एंड थर्डली इफ यू आर गेटिंग सर्टन ई मेल और एस एम एस और आपको लग रहा है कि ये फ्रॉड है एंड इन दैट केस यू नीड टू ब्लॉक दैट ई मेल आपको उसको रिपोर्ट करना है कि ये स्पैम है या फिर ये फ्रॉड वाला है ठीक है दिस इज अनादर वे इसको हम रिमोट एक्सेस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे यू ट्राइंग टू डाउनलोड एन ऐप या फिर ऐसा होता है कि आप खुद ऐप डाउनलोड करो और पांच लोगों को शेयर करो कि वो भी डाउनलोड करे ऐसे आपने सुना होगा तो ऐसे आपको नहीं करना यू नीड टू फर्स्ट वेरीफाई वेदर इट इज अ वेरीफाइड ऐप और नॉट ठीक है उसके बाद आ जाता है ए टी एम कार्ड स्कीमिंग ऐसे बहुत सारे तरीके हैं और ये सारा आर ने नोटिस किया उसकी अम्बुट्समैन स्कीम के द्वारा अम्बुट्समैन के अंदर जितने भी कंज्यूमर कंप्लेन uh, होते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू रिलेटेड एंड रेगुलेटेड एंटिटी ट्रांजैक्शंस रेगुलेटेड एंटिटीज वो होते हैं जिसको आर बी आई रेगुलेट करता है बी डी यू स्केड कमर्शियल बैंक रीजनल रूरल बैंक्स या फिर आपके एन बी एफ सीज तो ये जो अम्बुट्समैन स्कीम है इसके अंदर ये बहुत तरीके की कंप्लेंट्स रजिस्टर किए गए उसको सिंप्लीफाई करके आर ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया और हमें दिया है फॉर कंज्यूमर एजुकेशन पर्पस तो बहुत कुछ चौदह पंद्रह तरीके के फ्रॉड के टाइप्स हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे द नेक्स्ट वन इन दिस सीरीज इज़ दिस एटीएम कार्ड स्किमिंग ये बहुत ही अलग तरीका है कभी आपने देखा होगा जब भी आप एटीएम से पैसा निकालने जाते हो कोई खड़ा होता है कई बार तो ऐसे डरने वाली बात नहीं बट यू नीड टू इंश्योर कि वो इंसान कोई फ्रॉड fraud, फ्रॉडस्टर तो नहीं है तो जब भी आप पैसे निकालो यू नीड टू फर्स्ट इंश्योर कि कोई आपका पिन वगैरह ना देख रहा हो सेकेंडली जब भी पिन लिखो आप अपने दूसरे हाथ से ढक के पिन लिख सकते हो नीड टू ऑल्सो इंश्योर कि वहाँ पे कोई अजीब सी कोई और डिफरेंट डिवाइस तो नहीं इंस्टॉल है ए मशीन में आपको पता है एटीएम कैसे दिखती है वहाँ पे कोई भी आपको अजीब सी चीज़ दिखे तो आपको ध्यान रखना है और आपको डिटेक्ट करना है कि ऐसा तो कुछ नहीं है उसके अलावा यू नीड टू ऑल्सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कोई की पैड डमी की पैड तो नहीं लगा उस पर या फिर कोई छोटा सा हिडन कैमरा हो जो आपको नहीं दिख रहा हो तो एक बारी आपको ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी है सो so दैट आपका जो एटीएम कार्ड है वो चोरी ना हो सके कैसे अगर सपोज डमी की पैड है आपने अपना पिन डाला वो पिन सामने वाले को पता चल गया या कोई खड़ा था उसने आपकी पिन को नोटिस कर लिया यूजिंग दट सेम पिन उसने कोई दूसरी कार्ड बना ली कार्ड की क्लोनिंग कर ली ठीक है इस तरीके से आप डुप्लीकेट कार्ड बना के उस अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकते हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें ना हो उसके बाद आ जाती है फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग एप्स या इसको भी हम रिमोट एक्सेस बोलते हैं रिमोट एक्सेस इसलिए बोलते हैं जब भी रिमोट एक्सेस देखो इसका ये मतलब होता है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करके और डाउनलोडिंग एन एप्लीकेशन और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप कंट्रोल कर रहे हो किसी बंदे के पर्सनल लैपटॉप या फिर उसके फोन को रिमोट ये फ्रॉड्स यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप में ये होता है दट सपोज सम टेक्निकल ग्लिच कुछ टेक्निकल ग्लिच है आपके लैपटॉप में मान लो या आपके फ़ोन में मान लो ठीक है और आपने सपोज ध्यान नहीं दिया आपने डायरेक्टली नंबर निकाला एंड यू कॉल्ड इट और उसने बोला कि ठीक है स्क्रीन शेयरिंग ऐप करके होती है टेक्स्ट ऑफ व्यू आप डाउनलोड कर लो मैं देखता हूँ और मैं सारा चीज़ आपका कर दूंगा वेन यू डू सो प्लीज़ इंश्योर कि जिससे आप जिसके साथ आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो वो जेनविन हो उसकी उसकी क्रीडेंशलिटी चेक करो क्रीडेंशल्स उसके सही होने चाहिए सेकेंडली ऐस ये इंश्योर करो कि आप जो भी नंबर निकाल रहे हो टेक्निकल ग्लिचेस के लिए किसी असिस्टेंट का नंबर निकाल रहे हो वो आप जेनविन साइट से उठा रहे हो ठीक है और फिर ये इंश्योर करो कि ऐसा ना हो कि आ, जैसे आपका काम हो गया टेक्निकल ग्लिच खत्म हो गया आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो अपने पास मत रखो क्योंकि वंस यू डाउनलोड द स्क्रीन शेयरिंग ऐप और इसको एक्सेस मिल गया द पर्सन द फ्रॉडस्टर कैन वॉच एंड कंट्रोल ऑल ऑफ़ योर मोबाइल और लैपटॉप डेटा और फिर उससे आपके फाइनेंशियल क्रीडेंशियल जो भी सेव्ड होते हैं वो सारा वो वहाँ से उठा सकता है ठीक है और इससे अनऑथोराइज फंड ट्रांसफ़र भी कराए जा सकते हैं नेक्स्ट इस सिम स्वैप और सिम क्लोनिंग अब जो आपका सिम होता है सिम स्टैंड फॉर सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कई बार ऐसा होता है कि लोग डुप्लिकेट सिम सिम बना लेते हैं और कई बार ऐसा होता है कि बोलते हैं कि आपका सिम बंद होने वाला है आप ये डिटेल प्रोवाइड करो और फिर आपके सारे डेटा को लेके जो आपका मोबाइल नंबर बैंक से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है उस सिम को चोरी करके दे ट्राई टू विदड्रो ऑल योर मनी फ्रॉम दैट अकाउंट ठीक है तो फ्रॉड्स आई यूज दी ओ टी तो पी रिसीव ऑन सच डुप्लीकेट सिम टू तो कैरी आउट अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन्स तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका Uh, जो सिम है वो नेटवर्क रेंज में नहीं है इन सब एरिया जहाँ पे होना चाहिए और काफ़ी घंटों तक नहीं है देन यू नीड टू रिपोर्ट इट टू द टेलीकॉम अथॉरिटी कि ऐसे हो रहा है बिकॉज इट मे बी द केस दैट समवन एल्स हैज़ क्लोन्ड योर सिम एंड ही इज़ यूजिंग इट आपके जो सिम डिटेल्स हैं सिम सेम नंबर से जो जिस नंबर से आपने बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया है उसी नंबर से इस बंदे के पास कोई दूसरी डुप्लीकेट सिम हो और कई बार ऐसा भी होता है कि रिप्रेजेंटेटिव्स फ़ोन करते हैं ये बोलते हुए कि हाँ आपका जियो का सिम है मैं, मैं जियो से बोल रहा हूँ और वी हैव सर्टन ऑफर्स फॉर यू आपका हम 4G से 5G में कन्वर्ट कर देंगे प्रोवाइडेड यू नीड टू प्रोवाइड सर्टन इन्फॉर्मेशन जैसे आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो गया आपका सिम ठीक है तो ये एक और तरीका हो गया अब आता है फ्रॉड्स बाय कॉम्प्रोमाइजिंग क्रीडेंशियल ऑन रिजल्ट्स थ्रू सर्च इंजन ये हम बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं कैसे सपोज आपका कहीं पे पैसा अटक गया यू से पेमेंट करते हुए इवन आई डू समाइम्स और क्या होता है यू से अटक गया अब मुझे अपने बैंक को कॉल करना है एस में मेरा अकाउंट है अब मुझे इनको कॉल करना है अब मेरे पास इनका कस्टमर केयर नंबर है नहीं मैंने गूगल खोला गूगल का सर्च इंजन खोला गूगल का सर्च इंजन खोलते मैंने लिख दिया एस बी आई कस्टमर केयर नंबर टोल फ्री नंबर जो भी मुझे फर्स्ट नंबर देखा मैंने चेक नहीं किया किस वेबसाइट पे आ रहा है एस की ऑफिशियल वेबसाइट है या कोई ऐसी रैंडम वेबसाइट पे ये नंबर शो हो रहा है मैंने नंबर कॉपी किया एंड आई डायरेक्टली कॉल्ड दैट नंबर और आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्टली आपको ऐसे कॉल नहीं करने कई बार फ्रॉडस्टर्स इन सर्च इंजेंस का यूज़ करते हैं और ऐसे वेबसाइट्स बनाते हैं जहाँ पे ये टोल फ्री नंबर ऑफ़ दिस बैंक दिस ऑपरेटर इंश्योरेंस कंपनी या फिर आपके आधार अपडिशन सेंटर जितने भी हैं सबके टोल फ्री नंबर गलत गलत डालते हैं और जब आप उनसे बात करते हो कि हाँ मुझे मेरा पैसा यहाँ अटक गया दिल आस्क यू कि एक ओ आया होगा हमें पहले ये वेरीफाई करना है कि आपका सही में अटका है नहीं अटका है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दो जैसे ही आपने उनको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया पेड़ागर पैसे आपके गए ठीक है

ओरिजिनल वेबसाइट से आप उठा रहे हो कई बार ऐसा होता है कि स्पेलिंग में चेंजेस कर देते हैं ठीक है और कई बार तो नेम सेम रहता है उसका जो लास्ट का वो होता है ना क्या बोलते हैं उसको एच टी टी पी जो हमारा होता है उसको आपने उसमें हल्का सा बहुत एक एस का हटा दिया या फिर एक एस एक्स्ट्रा डाल दिया वो दिखने में बिल्कुल सेम दिखता है ऐसे सर्च uh, इंजनस होते हैं जिस ऐसे वेबसाइट्स होते हैं और वहाँ से आपके डेटा को निकाला जा सकता है ठीक है इसके अलावा आता है स्कैम थ्रू क्यू आर कोड स्कैन अब क्या होता है हम कहीं भी जाते हैं पेमेंट करना होता है स्कैनर खोला स्कैन किया और पेमेंट करके आ गए कई बार ऐसा होता है कि स्कैनर से भी क्योंकि आपका ये जो स्कैनर क्यू आर कोड होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड्स जो आपके होते हैं इसमें आपके एंटायर बैंक डिटेल्स कैप्चर्ड किए हुए रहते हैं तो वंस यू आर स्कैनिंग योर स्कैनिंग द क्यू आर कोड यू आर एक्चुअली गिविंग ऑल योर बैंक रिलेटेड डेटा कई बार क्या होता है कि आपके पास कोई ऐप आती है और उसमें आपको अपना जो क्यू आर कोड होता है उसको स्कैन करके भेजना पड़ता है या उसकी फोटो भेजनी होती है तो आपको ध्यान रखना है होगा कि आप किसको ये भेज रहे हो तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट और आपको अवेयर रहना पड़ेगा हमेशा सो so दैट कोई भी किस्म का डिजिटल फ्रॉड आपके साथ ना हो ठीक है उसके बाद आ गया इम्पर्सोनेशन ऑन सोशल मीडिया ये बहुत ही ज्यादा होता है बहुत ही ज्यादा इसमें क्या होता है जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ये फेक अकाउंट बनाते हैं आपका सपोज इंसा पे अकाउंट है अच्छी रीच है आपकी या फिर नॉर्मल भी रीच है वहाँ से आपका नाम उठा लिया आपका डी उठा लिया आपकी कुछ डिटेल्स उठा लिए दो तीन वेबसाइट से जहाँ पे भी आप लिंकड से या उन्होंने एक और इंस्टा आईडी बना दी एक तो वो हैक कर सकते हैं आपका अकाउंट या एक उन्होंने फेक अकाउंट बना दी ठीक है अब उस फेक अकाउंट से आपके जितने भी दोस्त हैं उनको नाउ दे आर सेंडिंग रिक्वेस्ट कि एमरजेंसी है भाई मेरे को पैसे चाहिए इतने पैसे मेरे को भेज दो ठीक है मे बी मेडिकल एमरजेंसी या फिर मुझे स्कूल की पेमेंट करनी है या फिर मैं यहाँ फंस गई हूँ मुझे पेमेंट चाहिए मैं घर जाके तेरे को पैसे दे देती हूँ ऑल ऑफ दीज केसेस आपको ये इंश्योर करना है कि आप अपने दोस्त को कभी भी आपके पास मैसेज आए योर कॉलिंग योर फ्रेंड एंड देन कन्फर्मिंग कि क्या आपने सही में ऐसा मांगा है या फिर इन पर्सन मिलो उस बंदे से ऐसा नहीं कि आपने अच्छा दोस्त ने मांगा है डायरेक्टली आपने भेज दिया विदाउट आस्किंग ट्वाइस आपने रिसेंटली न्यूज़ में भी सुना होगा टीना डाभी हु इज़ एन आई एस ऑफिसर उनके नाम को भी लेके ऐसे फ्रॉड्स किए गए थे वन पर्सन इन राजस्थान ओनली यूजिंग द डी पी ऑफ तीना नावी एन यू ट्राइंग टू कंटेक्ट हर फ्रेंड्स और एनी अदर रैंडम सेंगी है और उनके नाम से वो पैसे उठा रहा था, था. are आर types ऑफ impersonation ऑन सोशल मीडिया जहाँ पे फेक डिटेल्स यूज करके पेमेंट्स निकाले जाते हैं लोगों से उसके अलावा इससे बदतर क्या होता है सच फ्रॉडर्स गो टू द एक्सटेंट ऑफ ब्लैक मेलिंग यू टू एक्सटॉर्ट मनी कई बार ऐसा होता है इसे आपके दोस्ती बनाते हैं आपसे फेमिलियर हो जाते हैं और सपोज uh, ऐसा भी होता है सपोज यू गेट इन टू सम रिलेशनशिप काइंड ऑफ थिंग और आपसे पैसे मांगते हैं आपने एक बार दिया दो बार दिया नाओ यू अंडरस्टैंड कि दिस पर्सन इज अ फ्रॉड नाउ इफ यू स्टॉप पेइंग दैट मनी टू दैट पर्सन दैट पर्सन स्टार्ट ब्लैक मेलिंग यू कि मेरे पास आपकी कुछ ऑपसिन पिक्चर्स हैं या फिर मैं आपके चैट डिटेल्स लीक कर दूंगा या कुछ कर दूंगा तो ऐसे आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू एक्स एक्सट्रॉ मनी फ्रॉम ठीक है तो आपको ध्यान रखना एंड यूनिट टू बी वेरी कॉशियस स्पेशली बाय हैविंग योर डिजिटल प्रेजेंस जब भी आपका डिजिटल प्रेजेंस हो डोंट बी केयरलेस ट्राई एंड सी वॉट थिंग्स वर्क फॉर यू एंड बी कॉशियस एंड डू नॉट क्लिक ऑन सर्टन लिंक्स एंड डू नॉट ट्रस्ट कम्प्लीटली इसके अलावा जो लास्ट एग्ज़ाम पूछा गया था दैट इज़ जूस चैकिंग आपको पता है जो आपका यू एस बी केबल होता है जो चार्जिंग पोर्ट होता है उससे आप ट्रांसफ़र कर सकते हो डेटा राइट अगर आप अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर डेस्कटॉप से अपने फ़ोन को कनेक्ट करते हो देन यू कैन ट्रांसफ़र योर डेटा कई जगह आपने पब्लिक प्लेसेस में देखा होगा कि चार्जिंग पो चार्जिंग पोर्ट्स लगे रहते हैं राइट जहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो हम क्या करते हैं बिना सोचे समझे चार्जर निकालते खुश हो जाते हैं अच्छा चार्जिंग पॉइंट मिल गया चलो चार्ज कर लेते हैं बट वंस यू डू दिस जूस जैकिंग आपके जो जितने भी मोबाइल में डेटा होते हैं ऑल ऑफ दीज डेटा आर इधर टेकन अवे या फिर उसका पूरा एक्सेस किसी तीसरे बंदे को मिल जाता है एंड दैट पर्सन इज़ नन अदर देन दी फ्रॉडस्टर और वो उस डेटा को यूज़ करके आपके जितने फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं या डिटेल्स होते हैं उन सबको चोरी करके सारे पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो दिस इज़ जूस चैकिंग उसके अलावा दे आर अदर टाइप्स इज फिर लॉटरी फ्रॉड हो गया ऑनलाइन जॉब फ्रॉड हो गया ये तो आपको पता ही होगा आप दस करोड़ रुपए जीत गए या फिर यूएस के किसी यूएस गवर्नमेंट ने आपके नाम पे इतना रकम निकाला लॉटरी में आप जीत गए एंड यू नीड टू पे द शिपिंग अमाउंट और नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा सो दैट वी अंडरस्टैंड कि दिस इज़ योर अकाउंट नंबर डैश 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 ऐसे आपके पास बहुत बारे ई मेल्स और मैसेजेस आए होंगे कभी भी इन चक्करों में मत पड़ना इसके अलावा जॉब फ्रॉड होता है आपकी प्रॉपर टेलीफोनिक इंटरव्यू होती है आपको बुलाया जाता है न्यूज उस और आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दे देते हैं येस यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस 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 कंपनी और अभी एक महीने का ट्रे ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा फॉर दैट यू नीड टू डिपॉजिट सर्टन अमाउंट दे ट्वेंटी थाउजेंड आपको डिपॉजिट करना है या फिफ्टी थाउजेंड डिपॉजिट करना है दीज आर ऑल काइंड ऑफ ऑनलाइन फ्रॉड्स दैट आर हैपनिंग उसके बाद आता है मनी म्यूज़ तो मनी म्यूज़ इज़ बेसिकली अ टर्म दैट इज़ यूज फॉर सर्टन दो इनोसेंट पर्सनस जो कि इन फ्रॉडस्टर्स के केफ्चे में आ जाते हैं कैसे कोई फ्रॉड फ्रॉड कर रहा है कहीं से तो ये पैसा ले रहा है इलीगल तरीके से पैसा ला रहा है अब ये क्या कर रहा है अपने अकाउंट में ना लाकर ये किसी एक बंदे को पकड़ता है और उसको बोलता है कि मैं तुझे कमीशन दूंगा तुझे तेरे अकाउंट में पैसे आएंगे सपोज दस लाख रुपए तेरे अकाउंट में आएंगे उसका मैं तुझे वन परसेंट कमीशन दूंगा बाकी तुझे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है या किसी दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो वॉट दिस फ्रॉस्टर फ्रॉडस्टर इज डूइंग पैसे कहीं से एक्सटॉर्ट कर रहा है अपने अकाउंट में डायरेक्टली ना मंगा के दो तीन म्यूल्स को पकड़ता है दो तीन ऐसे भोले भाले लोगों को पकड़ता है और कमीशन के लालच पे उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है फाइनली अपने में कराता है क्यों ऐसा कर रहा है वो सो so दैट कल को अगर पकड़ा जाए तो ये म्यूल्स पकड़े जाएँ एज यू कैन सी इट हीयर ये म्यूल्स पकड़े जाएँ ये जो इनोसेंट लोग हैं ये पकड़े जाएँ और ये फ्रॉड से बच जाए तो ऐसे जो तरीके होते हैं ईजी वे ऑफ अर्निंग मनी इन सब चीज़ों से प्लीज़ दूर रहो दिस इज ऑफ नो यूज़ ठीक है तो ये है बहुत सारे तरीके के बैंक फ्रॉड्स आपको ध्यान रखने हैं और भी तरीके के आ सकते हैं आप देख सकते हो हाउ इनोवेटिव दिस फ्रॉडस्टर्स आर इन ऑर्डर टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम यू ठीक है तो यू ऑल्सो नीड टू बी वेरी मच केयरफुल वेरी मच इनोवेटिव और आर ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं अम्बुट्समैन स्कीम लेकर आई है ताकि आप कंप्लेन कर सको हमेशा कंज्यूमर अवेयरनेस में बहुत सारे डेटाज़ रिलीज़ करता रहता है बहुत सारे स्टेप्स बताता है प्रिवेंशन के लिए अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन आर बी आई एंड अदर एजेंसीज जितने भी हैं गवर्नमेंट शुड मेक यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करने यूज़ करके हमारे अपने सिस्टम को अपने जो एप्स हैं अपने डेटा को उनको और सिक्योर करना है सो दैट ऐसे जो फ्रॉड्स हैं वो मिनिमाइज कर सकें अब न्यूज़ देख लेते हैं रजिस्ट्री वाली जो कि आजकल में आई है कि आर सोच रही है कि कंज्यूमर जो हमारा हमें डिजिटल फ्रॉड्स चेक करने हैं उसके लिए लेट्स ट्राई टू मेक और क्रिएट अ डेटा जिसको रजिस्ट्री बोली जाती है वहाँ पे जितने भी फ्रॉड रिलेटेड आईपी एड्रेसेस हो गए उनके वेबसाइट्स हो गए लोकेशन हो गए उनके फ़ोन नंबर्स हो गए उसको इकट्ठा करके एक जगह पे हम रख लें ठीक है ऐसे करने से आप फ्रॉडस्टर्स को वो सपोज एक बार उसने किया आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये एक फ़्रॉड है इस फ्रॉड की डिटेल को आपने एक रजिस्ट्री में डाल दिया नेक्स्ट टाइम आप ऐसे ट्रांजेक्शन से अगर सेम मोबाइल नंबर से या सेम आईपी एड्रेस से आ रहा होगा यू विल बी एबल टू डिटेक्ट दिस पर्सन और नेक्स्ट टाइम से आप उसको रोक सकते हो ऐसे फ्रॉड करने से हवेवर कब तक ये रजिस्ट्री बनेगी उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुआ है अभी बिकॉज आर बी आई स्टिल इन टॉक्स विद अदर डिपार्टमेंट्स एज वेल अदर स्टेक होल्डर्स ताकि उन सबकी व्यू पॉइंट मिल जाए उनको ठीक है उसके अलावा अगर जैसे ही रजिस्ट्री बन जाती है जितने भी पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स आपके मर्चेंट्स आपके कार्ड नेटवर्क्स, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रिमेंबर चार्जेज ऑन यू पी में कि जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं या मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स उन सबको ये एक्सेस रहेगा और फिर उनको पता चल जाएगा कि वेदर दिस पर्सन इज़ अ फ्रॉड और नॉट क्योंकि वहाँ पे इस रजिस्ट्री के थ्रू आपको एक नियर रियल टाइम फ्रॉड मॉनिटरिंग का मौका मिल जाएगा रियल टाइम होता है तुरंत नियर रियल टाइम मतलब होता है कि थोड़ा सा मे बी ऑफ सर्टन डीले हो पर आपको अगर सपोज रियल टाइम में आपको विद इन सेकेंड्स इंफॉर्मेशन मिल रहे थे यहाँ पे आपको पाँच मिनट में या दस मिनट में आपको पता चल जाएगा कि वेदर दैट ट्रांजेक्शन नॉट और नॉट ठीक है उसके अलावा आर बी आई इज ऑल्सो ट्राई टू पब्लिश एंड एजुकेट द कस्टमर्स ऑन एमर्जिंग न्यू इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंशियल और डिजिटल फ्रॉड्स ठीक है अब एन जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उन्होंने भी डेटा रिलीज किया है बैंक फ्रॉड्स पे एंड अकॉर्डिंग टू दियर एनालिसिस ये देखा गया है दैट द नंबर ऑफ ए बेस्ड फ्रॉड्स हैव एक्चुअली डिक्लाइंट इन दर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एस यू कैन सी हावे व नंबर ऑफ फ्रॉड्स बेस्ड ऑन डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स जितने भी हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं यूजिंग आर कार्ड्स दिस हैज़ एक्चुअली इंक्रीज तो बैंक फ्रॉड्स बहुत सारे इंक्रीज हो रहे हैं विद द यूज़ ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शन्स एंड देफ वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड बी कॉशियस ऑफ नॉट लेटिंग हैपन एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड इसके अलावा बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं जो आर ने रिलीज़ किए हैं ये आप खुद भी पढ़ सकते हो एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि कोई भी अनयूजल ऐप को डाउनलोड नहीं करना अपने ओ टी पी पिन सी वी वी लॉग इन आई पासवर्ड कभी भी किसी से शेयर नहीं करनी है ऑफिशियल वेबसाइट से ही टोल फ्री नंबर निकाला करो डू नॉट कम इन टू द स्कैम ऑफ अर्निंग सम लॉटरीज एंड गोइंग फॉर सम जॉब

एंड द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू इज़ अ टर्म दट इज़ यूज टू डिस्क्राइब इनोसेंट विक्टम्स हु आर ड्यूब बाई फ्रॉडर्स इन लॉन्ड्रिंग स्टॉलन और इन लीगल मनी वे आर देयर बैंक अकाउंट्स खुद अपने अकाउंट में नहीं मंगा रहे दो चार म्यूज़ को पकड़ लिया इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया और उनमें पैसे भेज भेज के फाइनली अपने पास मंगवा रहे हैं तो या फिर उनसे कह दिया कि आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र मत करो आप मुझे कैश निकाल कर दे दो ठीक है तो दीज आर दी इन्नोसेंट विक्टम्स इसमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो इसको परफेक्टली डिफाइन करता है इसका आंसर आपको प्रोवाइड करना है इन द कमेंट सेक्शन दिस वॉज ऑल फॉर टू डे आई होप यू लाइक द सेशन इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन टिल देन कीप लर्निंग बाय